ज्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचना सर्वुन सरोस्वकु महदुन मनोरथेन सोधव शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जिन्हें बताए सच्चाई को सुनने वाला जगत में बहुत कम है वास्तव सत्व को सुनने वाला बहुत कम है और सत्व का कीर्तन होते रहे और कोई बोले कि हम सच्चाई कीर्तन हुए तो हम सुन लेंगे ये भी संभव नहीं वास्तव सुनने वास्तव सत्यों को सुनने वाले का अंदर में कुछ विशेष क्वालिटीज होता है कुनावली वास्तव सत्यों को सुनना सब कोई का काम नहीं सब कोई का बस का काम नहीं हर आदमी सुन नहीं सकता जब किसी को ऐसा सौभाग्य का उदय हुए किसी का जिंदगी में जो वास्तव साधु संग उनका जीवन में संभव हुआ हरी कथा सुनने का सुयोग मिला तब धीरे धीरे वो कथा कीर्तन सुनते सुनते दिल में थोड़ा परिवर्तन आते लगता है इसलिए भागवत में सुंदर बताया देखो अतः दुस्संगम सृज सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एव अश्व छिंदी मनोव्यासंग उक्ति भी भागवत जी महापुराण में बताएं श्रीमद भागवत जी महापुराण का ऊपर कोई शास्त्र हो ही नहीं सकता श्रीमद भागवत जी महापुराण का ऊपर इतना विशुद्ध विचार इतना विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति का उपाय और दूसरा साधन के द्वारा होगा नहीं श्रीमद भागवत जी का महिमा भागवत जी महापुराण का जो महिमा कीर्तन गाया जाता है उसमें दिया हुआ है भागवत जी महापुराण में यह बताया अतो दुस्संग मुशीज सत्सु सज्जित बुद्धिमान है वास्तव बुद्धिमान आदमी क्या करते हैं दुस्संग त्याग करके सत्सु सज्जित बुद्धिमान साधु संग करने लग जाता है समाज में साधु संग का परिभाषा क्या है समाज में जो आम आदमी है उनको क्या पता है कौन साधु है कहाँ वास्तव सत्संग चलते रहता है कहाँ वास्तव सत्संग हो रहा है, है कैसे पता चलेगा ये जो सत असत का जो विचार है ये बड़ा सूक्ष्म विचार है ये सत और असत मैं छोटी सी समय में ये बात को साफा करे क्लियर करे असत मतलब है जिन चीजों को लेकर आप रहने से आपका हथकरी छूटेगा नहीं मानव जन्म जो हुआ है ये मानव जन्म का ये अर्थ नहीं है मैं जो साध सदन तत्व योग व्याख्या करूं अच्छा जगह यहां तो थोड़े से आदमी हैं बड़े सभा में दो सदन तत्वों का धीरे धीरे क्लियरली एक स्टेप बाय स्टेप व्याख्या करे तो समझ में आएगा असत किसको बोला जाता है बोले जिस वस्तुओं को जो व्यक्तियों को लेकर आप रहने से मरने का बाद आपको छुट्टी नहीं मिलेगा फिर दोबारा आना पड़ेगा जगत में और जो वस्तु और जो व्यक्तियों को लेकर चलने से आपको किसी भी हालत से बंधन में नहीं पड़ना है आप निकल जाओगे सत और असत सत मतलब एक सत का व्याकरण में बोलते हैं औस्थि और थे स्वत जिसका बा, जिसका वास्तव एक्जिस्टेंस अस्तित्व तो है आपका नजर के सामने जितना सारे वस्तु व व्यक्ति हैं, जितना सारे व्यक्ति आज दिखाई देता है बाहर में निकालो सब आज से थोड़ी दिन बाद 100 साल बाद ये सब चेहरा आज दिखाई नहीं पड़ेगा नया फ्रेश जनरेशन आएगा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा संभव नहीं है पूरा एकदम सीरीज चेंज हो सिनारी सीरीज पूरा चेंज हो जाएगा मेडिकल साइंस भी बोलता है जब से आप पैदा हुए हो आपका अंदर में परिवर्तन चलते रहते हैं इविन एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सम चेंजेस आर गोइंग इन टू योर बॉडी आपका शरीर में परिवर्तन चलते रहते हैं यह मेडिकल साइंस भी बोलते हैं भागवत में तो है ही है नित्य पोलॉय नैमित्तिक पोलय प्राकृतिक पोलॉय बहुत सारे बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जबपात बोलते थे अगर आपको हरि कथा सुनना है अपराकृत जगत में जाना है तो ऐसा जगह कान को ऐसा जगह आपका कान को लगाओ जहां आपका वास्तव फायदा होगा जहां सुनने से आपका वास्तव मंगल अवश्य होगा अत तो दुस्संग जो सत्सु सज्जेत बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव बुद्धिमान व्यक्ति सत्संग करते हैं और सत्संग के द्वारा ही आपका चरम मंगल का रास्ता खुल जाता है भले क्यों भले पहुंचा हुआ वो जो संत है वो वैकुंठ जगत की वार्ताएं आपका सामने पेश करेंगे और ये जर जगत का जितना सारे वार्ता है ये वार्ता आपका बंधन की कारण है काल भी ये बात को थोड़ा उठाया था कपिल जी महाराज भगवान कपिल जी महाराज माता देवाहुति जी को उत्तर दिए देखो माते संगो जो संगसेतेर हेतु असस्व विधुसुक निसंगताय कल्पते है तो, भले माते देखो यो संघ एक बात साफा करना चाहूं क्योंकि संघ छोड़ के समाज का आदमी जी नहीं सकता समाज में कोई भी जीव कोई भी प्राणी संघ के बिना रह नहीं सकता धन दौलत किस काम का है अब आप बोलो कि महाराज हम धन दो लो देने से हम खूब खुँ, बहुत खुश हो जाएंगे चलो हम मान लिया ठीक है आपको देवी जी मैया दे देंगे देवी जी मैया देने के लिए तैयार है हम लेने के लिए तैयार नहीं है देवी जी मैया मेरे को देने के लिए तैयार है करोड़ों करोड़ों डॉलर हमको देने के लिए तैयार है अब पूछ लो मैया को हम लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसमें फायदा नहीं है विचार करो तो देखो ये जो संपत्ति ये जो रिलेशन आपका साथ है जितना सारे समाज संसार ये आपको सुखी नहीं बनाएगा बहुत सारे संपत्ति आपको देके के होगा अगर आपको एक आयसलैंड में छोड़ देंगे अकेले एक ऐसा द्वीप में आपको छोड़ के आएंगे जहां कोई आदमी नहीं है कोई रिलेशन तो दूर की बात है कोई नहीं है नो बडी सन्नाटा एकदम अकेले अब रह जाओगे और करोड़ों करोड़ों रुपया का जायदाद आपका सामने हम छोड़ देंगे आप विचार करके देखो आप सुखी होगे कि नहीं जीव इतना बोका है बोका बोलने से गुस्सा हो जाएगा चिंतन शक्ति उस तक पहुंच नहीं सकता है लोगों का क्योंकि माया में फंसे हुए देवी मैया का जो माया है जाल है नेटवर्क आप बोलते हैं नेट में फंसे हुए हैं नेट का बाहर ब्रह्मलोक ये जो पृथ्वी है यहां ये भूलोक भूर भूव स्व महो जनो तपो सत्यो ब्रह्मा जी का लोक को भी पार करके से बीरोजा बीरोजा नदी पड़ेगा बीरोजा को पार करके फिर ब्रह्म ज्योति मिलेगा उसको पार करके सदा शिव जी का लोक है शिव जी का महिमा थोड़ा बताने के लिए इंट्रोडक्शन चल रहा है ऐसे तो एक टॉपिक्स रखे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि कुछ इंट्रोडक्शन का जरूरी है मैं मिलावट नहीं चाहता हूं उपनिषद में खुल्ला में खुल्ला बता दिया ये आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधि उपनिषद में साफा बता दिया जो एक दूसरे का साथ जो इस जो प्यार है मोहब्बत है ये सब जो सब चल रहा है ये किस लिए भले चेतन वस्तु है इसलिए माइंड इट अगर पूरा यह दुनिया से चेतन वस्तु गायब हो जाए तो किस बात की आनंद आनंद किस बात की आनंद किसको बोला जाता है बोलो हमको दुनिया का आदमी यूरोपियन सोसाइटी अमेरिकन जो है सब बोलते हैं दे लो का वो लोग का फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है एंजॉय योर हमारा हिंदी भाषी यहां बोलते खाओ पियो जियो इज दैट ऑल यही कि सब है इसी में फंसे रहे तो जीव इसमें ही मंगल होगा क्या लेकिन ये सब सोच विचार किसी का अंदर में पैदा नहीं होता क्यों बोलो साधु संग करे तब ना तुलसीदास जी तो ऐसे बेकार नहीं बताया बिना सत्संग तरे ही न कोई करोड़ों बार आप मैया का दरबार में जाके आप माथा टेको बट देर इज नो सोल्यूशन सोल्यूशन मिलेगा नहीं मैया को प्यार करते हैं क्यों क्योंकि आपको गुरु वैष्णव का संग नहीं मिला इससे फायदा नहीं है जब चेतन वस्तु समाज से गायब हो जाए तो आप विचार करके देखो आप आपको आपका बेटी बेटा इसको प्यार क्यों करते हो एक उदाहरण दे दे हम भागवत से हिरण्य कशिपू जैसा असुर इतना बड़ा असुर दुनिया में होना मुश्किल है हिरण्य कशिपू जैसा असुर अपना भैया सरी छोड़े भगवान ने उसको ले लिया और इसके बाद क्या हुआ भले हिरण्य कशिपु जो है हिरण्यकशिबु भैया जाने का बाद ये जो भाई का जो पत्नी और अपना मैया सब कोई को सु, सु, सब कोई को थोड़ा अपना शास्त्रों का वाणी के द्वारा थोड़ा कंसोलेशन उसको शांति देने का प्रयास में है जिसका अंदर में शांति है ही नहीं वो कैसे दूसरे को शांति दे ये भी एक नाटक है मजा है हिरण्य कशिपू अंदर में शांति है क्या बेचैनी हर वक्त। भोगने का चिंता जिसका है हिरण्य कशिपू ये शब्दों का माने ही ये है हिरण्य मतलब का, कामिनि कांचन, कसिपु कामिनी कांचन कशिपू कामिनी हिरण्य रुपया पैसा जायदाद जितना सारी इसको हिरण्य कसिपु कसिपु का ऐसे माने तो व्याकरण में होता है हमारा सज्ञा स्वयं का स्थान फिर भी इसका वास्तविक अर्थो विचार किया जाए इसका ये माने प्लीज फॉर हाफ एन आवर कोई फायदा नहीं साधु महात्मा को बुला के तो ये जो हिरण्य ये जो शब्द है इसका माने हैं जो कांचन सोने हीरे मोती इतना सारे जायदाद इसको इकट्ठा करने का अनन्य प्रयास जिसका अंदर में भरपूर है दूसरा कोई नहीं है कुछ चेष्टा है नहीं और कामिनी ये सब कामिनी कांचन ये जो लेके ये व्यस्त है अब इसका अंदर में शांति होना तो संभव है नहीं बेचैनी तो रहता ही है और इस अवस्था में वो चाहता है कि हमारा भाई का जो बहू है और मैया ये सबको पूरा थोड़ा शांति दान करे ये संभव है नहीं लेकिन देने का प्रयास में है वह कितना सुंदर इसलिए हमारा शास्त्रकार ने बताया देखो असुर लोग भी शास्त्रों से शास्त्रों का उदाहरण दे सकता है। बहुत, है बहुत शास्त्रों का चर्चा चल रहा है बहुत शास्त्रों का चर्चा चल रहा है बाजार में इसका मतलब ये नहीं कि सब संतों का वाणी हम पागल बन जाएंगे हरिदास से दो चार आदमी को उठा के भगवान गोविंद के चरण में लेने के लिए मेरे को कितना खून देना पड़ेगा दैट आई नो वेरी वेल समझने के लिए तैयार नहीं है कोई सब सोचता है हम है इंटेलिजेंट है हाँ है तो इंटेलिजेंट तो है ही है बुद्धिमान है अब भगवान बोलते ये तो बुद्धिमान है नहीं इसका बारे में काल परसु थोड़ा चर्चा हुआ था थोड़ा इस विषय में जाएंगे नहीं वास्तव तो बुद्धिमान ये है जो दुनियादारी का चीज का ऊपर जो आकर्षण गीता में भगवान सुंदर बताए बहुत सुंदर जे ही संसपर सजा भोगा दुख जोनयो एवते आद्यंत बंत कंतो नौते रमते बुदा दो आर रियली इंटेलिजेंट दे नेवर गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट क्योंकि ये टेम्पोररी है परमानेंट नहीं है भगवान गीता में बोलते हैं जय अर्जुन जो वास्तव बुद्धिमान है जे ही संस्पर्श सजाव होगा टेंजिबल फैसिलिटी टेंजिबल जो सुख है स्पर्शो, शब्दो स्पर्शो रूप रस गंधो यही एंजॉयमेंट का फाइव एलिमेंटरी जो विषय है ये पांच विषय है विचार करके देखो ध्यान दो किसका पीछे दुनिया दौड़ रहे हैं भले ये पांच एलिमेंटरी पांच चीज हमने बताएं शब्दो स्पर्शो रूप रस गंधो इसके बाहर एक भी प्रमाण नहीं कर सकते हो प्रमाण करो जो कुछ भी आपका सामने एंजॉयमेंट है ये पांचों में एक है हम प्रमाण कर देंगे इसका पीछे दो, दो दुनिया दौड़ रहे हैं इसका बाहर सोच ही नहीं सकता बुद्धि है नहीं कैसे सोचेगा जैसे एक स्पेस शाटल ऊपर उपग्रह को भेजने के लिए यहां से लिक्विड ऑक्सीजन आदि देकर यहां से हेल, हेलीपैड से छोड़ दिया रॉकेट को कैलकुलेशन करके जैसे उपग्रह को लेकर ऊपर जाएं बहुत दिन से पढ़ रहे हो पढ़ा लिखा किए हो गैविटेशनल एक्सेलरेशन माध्याकर्षण अब माध्याकर्षण को भेद करके वो ऊपर जा रहा है जब माध्यार्षण उसका जो आकर्षण की जो क्षमताएं हैं इसके बाहर जाकर एक साटिन ऑर्बिट है उसमें रिकॉर्ड वो क्या करते हैं पूरा जाके उस ऑर्बिट में जाके वो उपग्रह को छोड़ के आ जाता है सभी वस्तु जिस वस्तु को ऊपर छोड़ोगे थोड़ा देर तक जाके नीचे गिरता है न्यूटन बताए तो बचपन में पढ़े हो माध्यार्षण के कारण सब वस्तु को पृथ्वी अपना ओर खींचता है और इस खिंचावट से बाहर जाने के लिए आपको सम एंड सर्टेन शुड बी देयर सो दैट इट कैन काट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड गो आउट ऑफ इट इसको विज्ञान में बोला जाता है इसके वेलोसिटी इसके बिलासिटी जो ग्रेजुएशन पढ़ाए साइंस लेके जानते हैं इसके बिलासिटी मुक्ति बेग हिंदी में बताओ बांग्ला में बताओ कि मुक्ति बेग ये चला गया लेकिन हर वस्तु को इधर खींच खुछ, खींचते हैं जितना सारे विषय हैं आपको खिंच खुछ, खिंचावट है ही है तो क्यों दौड़ रहे हैं भला तो पागल तो नहीं है निश्चित कुछ एंजॉयमेंट तो है ही है न कि दुनिया क्यों दौड़ रहे हैं भले वो चाहते हैं कुछ आनंद ले क्योंकि जीव का स्वरूप में आनंद ही है जीव का जो वास्तव सरूद है उसको ढूंढो तो आनंद है इससे सब कोई का मकसद है आनंद ले लेकिन आनंद कहां है दे डोंट नो आनंद का पीछे दौड़ते हैं जगत लेकिन आनंद का स्थिति पोजीशन आनंद कहाँ है वास्तव कौन जगह आनंद है ये जानते नहीं एक कहावत है पंजाब में चलता है सुंदर हमारा निस्कंद महाराज भी उठाते हैं बात को भले के रानी मैया एक सुंदर अपना जो प्रासाद है प्रासाद का वो एरिया में ही है सुंदर एक तालाब है एकदम सुंदर इतना सुंदर तालाब है उस तालाब में रानी मैया नहाने के लिए गई और नहाने का पहले अपना जो जेवरत है बहुत कीमती सब खोल खोल के दासियों के सामने रख दिया और रखने का बाद कपड़ा चेंज करके डुबकी लगाए इतने में कहा से होनहार का खेल है एक बड़ा सा पंछी आ गया और उनका सबसे कीमती जो जेवरत है हीरे मोती जिसका कितना करोड़ रुपया है बता नहीं सकता हम उसको उठा के लेके गए और जब लेके गए दासियां चिल्लाई और सारा हल्ला मच गए कि देवी हमारा वो रानी मैया का हार गायब ऐसा ऐसा चल रहा है सारे आदमी दौड़ रहे हैं राजा ने ऐलान कर दिया राजा ने ऐलान कर दिया कि ये रानी मैया हम हमारा लिए रानी मैया राजा के लिए तो ऐ रानी का उल्टा समझे वो रानी का ये जो हड़ है ये किसने जिस किसी का लिए संभव है वो अगर लाए तो उसका लिए बड़ा भारी हम उसको पुरस्कार देंगे दिया जाएगा तो सारे आदमी भागे भले तो बड़ा मुफुत में मिल जाएगा कोई तो परिश्रम इतना है ही नहीं अगर ढूंढ सके तो हो जाए मालामाल हो जाएंगे और सब दौड़े उसका पीछे और पंछी का बेग और ये आदमियों का बेग के एक है कोई जंगल से इधर उधर भागे और दौड़ते दौड़ते पंछी क्या किया एक वृक्ष का डाल में बैठा था उसमें उसका जो हाड़ है अटक गया और पंछी बागी थोड़ा अकल है वो देखा खाने वाला कुछ नहीं है वो तो हम तो उठा के लाए इसमें क्या काम का हमारा कुछ नहीं है और छोड़ के भग गए और इतने में सारे आदमी दौड़ते दौड़ते और एक झील का सामने से गुजर रहा था और देखे ये झील का अंदर में एक हाड़ है नीचे और सारे हल्ला मच गया वो जो दौड़ के जो जल्दी पहले उसको उठाए उसको इनाम मिलेगा सब कोशिश में है जब गोता लगाते हैं तो चारों ओर काला काला पानी आ जाता वो हार दिखाई नहीं पड़ता बड़ा मुश्किल की बात है और थोड़ा बहुत शांत हो जाए तो देखे फिर हार दिखाई अरे महाराज उधर है फिर छलंग लगाया तो फिर गाये एक महात्मा उधर से गुजर रहा था कोई जोगी बाबा होगा कमंडल लेके जा रहा था अब बोला महाराज इधर क्या हुआ कौन सी उत्सव है पर्व है कुछ नहीं है ऐसा ऐसा समस्या है तो महात्मा ने थोड़ा देर तक ठहर गया उसका खेल देखने लगा मजाक क्या कर रहा है देखने लगा उसके बाद देखे तो ये लोग तो बोका है अरे सब बोका है हार इधर नहीं है हार देखो उधर ऊपर में वृक्ष का डाल में लटक रहा है उसका छवि नीचे में है सब नीचे में गोता लगा रहा है किसी का ध्यान नहीं किया ऊपर है ऐसा ही स्थिति है ये संसारी आदमियों का ये लोगों का दोष नहीं मैया का पास अगर कुछ मांगना है तो ये मांगो कि मैया हमारा ऊपर से आपका जो मैजिक है स्पेल माया का इसको उठा लो कीपा करके हमारा गौरी वैष्णव जो है ये जो शुद्ध विचार है दुनिया में एक भी संप्रदाय नहीं है जो इतना शुद्ध विचार जिसमें रघु गोस्वाई पात सनातन गोस्वामी पात जीव गोस्वाई पात का जो भी आज तक भी पूरा पृथ्वी में वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जो इन लोगों का जो विचार है युग सिद्धांत तो है इसका ऊपर अब कोई जाना संभव नहीं हमारा नवदीप धाम परिक्रमा चलते रहते हैं कभी आपका सौभाग्य होए कुछ ना करो तो नवद्वीप धाम धाम जाओ और थोड़ा घाम के आ जाओ अब देखो आगे का फल आप देखो नवदीप धाम में थोड़ा जाओ इतना खर्चा करते हो इधर उधर भागते हो शिमला इधर उधर जाके ठंडी हवा एंजॉय करते हो हमारा विनती है आप जाओ नवद्वीप धाम में एक बार जाओ जिंदगी में एक बार बच्चा बच्चा सब लेके हाँ कहाँ पर है वो भी मालूम नहीं है पे गौड़ी वैष्णव इधर है काहे की पूछा रहे हमारा हाँ पता नहीं पता होना चाहिए पूरा दुनिया को पता है आपको पता नहीं है बड़ा दुख की बात है जो भी है छोड़ो तो ये नव धाम आप परिक्रमा कर में आ जाऊं वहां पोड़ा माँ बोल के पौड़ो माँ अर्था पौर्णमासी वृंदावन का लीला में इसका बड़ा भारी भाग है वहां वैष्णव लोग गौड़िया वैष्णव प्रार्थना करते हैं कुलो देवी जोगो माया मोरे कृपा करी आवरम आवरण संगवरी वे तुम्हें विश्व दौरी ये पूरा पृथ्वी का पृथ्वी जो है और मैया के गर्व में है मैया ये तो मैया है पूरा दुनिया का मैया हमारा मैया तुम्हारी मैया किसी का भी मैया ये तो इंडिविजुअल विचार है लेकिन विचार करके देखो सब कोई का मैया ये ये। सब कोई का मैया है देवी मैया है वो प्रकृति मैया इसका अंदर में सब हम लोग ये हमारा प्रार्थना है शिला सच्चिदानंद भक्ति विनय ठाकुर का नाम आप सुने नहीं हो ये जो हम शब्दों उच्चारण किया इसके द्वारा ही आपका मंगल हो जाएगा हम जो शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपात ये शब्दों बताया हो सके कि आपको जानकारी नहीं है ये शब्दों के द्वारा आपका मंगल हो गया इसलिए बार बार उठाते रहते हैं हम शब्द ये विचार दिखाएं कि वैष्णव लोग गौरी वैष्णव समाज प्रार्थना करते हैं देवी मैया आप कृपा करके हमारा ऊपर से आपका जो पर्दा है उसको हटा लो ताकि हम वास्तव क्या है अवास्तव क्या है इसको समझ सके वास्तव क्या है अवास्तव क्या है ये समझ सके इतना कृपा करना हम ये नहीं आपको बोलते छोड़ के महाराज चलो हिमालय तो नजदीक ही है चले जाओ हम ये कभी नहीं आपको बताते हम इतना बताते हैं कि देवी मैया का पास ये प्रार्थना करो कि हमारा ऊपर से जो पर्दा है उसको हटा लो एक मिसाल दे दे एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा जब जड़ जगत का जो मैजिशियन है एक मैजिशियन का नाम है पीसी सरकार जो बड़े बूढ़े हो वो जानते हैं बहुत साल पहले आज से तीस पैंतीस चालीस साल होगा हमको याद नहीं हम बच्चा था तब तब अकबर में आया था पीसी सरकार रेल लाइन से बम्बे मेल को गायब कर दिया और सब यात्री लोग उतारे देखने के लिए मजा अरे हमारा ट्रेन कहां गया हमारा सामान कहां गया हल्ला उल्ली हो गया सारे लेन पटरी का ऊपर से ट्रेन गए पूरा बॉम्बे में नहीं है अरे हमने ट्रेन से उतारा ये सब देखने के लिए हाँ अब मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि पीसी सरकार का थोड़ा गुनागान करके चले जाए ये नहीं मेरा कहने का मकसद ये है जड़ जगत का एक मैजिशियन क्या क्या क्षमता है कि आपको आंखों का सामने पर्दा लगा दिया और बॉम्बे बॉम्बे मेल इज बट स्टिल यू कै नॉट सी बॉम्बे मेल कहीं नहीं गया वहां है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता तो अब मेरा कहना है कि ये जो ठाकुर जी भगवान गोविंद गोविंद क्यों बताए बल हम नहीं बताते ब्रह्मा जी से लेकर शंकर जी जो सब एक ही एक ही बात बताते कितना शास्त्रों का विचार हम हजारों साल उम्र हुए तो हम बताते रहेंगे तो खत्म नहीं होने वाला ब्रह्मा शंकर सब बताते रहते हैं जे भगवान गोविंद सुप्रीम लॉर्ड वेद पुराण उपनिषद के द्वारा निर्णित आपका विचार का ऊपर कुछ नहीं है सारे ऑलरेडी गोविंद जी अब इनके माया कैसा हो सकता है बताओ जब पीसी सरकार एक जड़ जगत का मेजिशियन का माया इतना है उसका प्रभाव आपको जस्ट मेक फुल ऑफ यू तो ये बताओ कि अगर भगवान का माया कैसा होगा इसीलिए गीता में भगवान बता दिया मम माया दूर हमारा माया ऐसा है कि इसका पार जाना संभव नहीं हमारा जो माया है इसको पार कर लोगे चैलेंजिंग मूड लेके इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल आज भी एक बंदा पैदा नहीं हुआ जो चैलेंज करके बोला ठाकुर जी आपका माया को हम देख लेंगे कोई नहीं पैदा हुआ जब ठाकुर जी बोले कि तेरा ऊपर मेरा माया असर नहीं करेगा चल किपा कर दिया यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी का आविर्भाव का प्रसंग सुनाए तो उसमें भी ये ये प्रसंग आता है सुखदेव जी बोले मैया का कोख में बैठ, बैठा हुआ हम निकाले तो माया तो हमको स्पष्ट करेगा हम कैसे निकाले हम निकालेंगे नहीं जब ठाकुर जी ने वादा किया कोई चिंता मत करो हमारी माया तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा लेकिन जो रेगुलेशन हमने बनाए नियम बनाए इसको एकदम तोड़ मोड़ करना ठीक नहीं है लेकिन ऐसा करे विचार को सुनो ठीक से एक गौ माता का जो सिंह है ऐसा होता ना हॉर्न सिंह इसका ऊपर एक राय मास्टर है एक सरसों की दाना अगर हम ये गौ माता का जो सिंह है इसका ऊपर छोड़ दिया तो क्या रुकेगा और देगा तुरंत गिर जाएगा तो भगवान ने बोला ये गौ माता का सिंह का ऊपर एक राय का दाना रखने का साथ साथ जैसे उतर जाता है वो तुम आविर्भाव का साथ साथ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप, आपको टच करे और छोड़ देगा और कोई चिंता मत करो तब सुखदेव गोस्वामी बाहर आए नहीं तो बोले हम तो नहीं निकालने वाला ये तो माया का जगत है आने का साथ साथ सब कोई को स्पर्श कर लेता है हम नहीं बाहर जाएंगे धरती में जगत में पैदा होने का साथ साथ ही एक बिना एक बीमारी बिना बुलाए आपका अंदर में आ जाता है विदाउट इन्वाइटेशन बिना बुलाए आपका अंदर में एक बीमारी आ ही जाएगा हंड्रेड परसेंट वो क्या है उसको है भव रोग मेटेरियल डिजीज मैटर के साथ वस्तुओं के साथ जो एकदम अट्रैक्शन वो आपका अंदर में आ जाएगा आपका आपका दोष नहीं है इसलिए गीता में भगवान जी बताए मम माया दुरत्तया तो आपका माया तो दूरतया बता दियो कि कि हम सब आ, सब छोड़ दे प्रयास प्रचेषा बोले ना ऐसा कोई बात नहीं है बात जरा साल ये है कि मम माया दुरत्तया तो बता दिया लेकिन एक सल्यूशन है मामे वो ये प्रपदे माया में तम हमारा चरण में जो शरण में जाए उसका लिए तो ये माया कुछ नहीं करेगा समझा मेरा बात मेरी शरण में जो जाए ऐसे तो गीता में भगवान अष्टादश उध्याय में भी अंत में बताया सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम वज अहम तम मक्षी सर्व पापेभ्य मोक्षयी श्यामी सुचो ये हमारा प्रतिज्ञा रहा प्रॉमिस आपको हम सारे ये जो पाप की चक्कर है इसमें बाहर निकलकर हम बाहर निकलकर ले जाएंगे लेकिन आपका एक काम करना पड़ेगा सर्वधर्मान परित जो माम एकम शरणम जो वन कंडीशन ओनली वन कंडीशन बस स्टिल दैट सिंगल कंडीशन यू कैन नॉट सेटिस्फाई इन यूर होल लाइफ आंटी मीट वन जेनविन साधु जिसका दिशा में दिल में भरपूर विषय है जिसका चिंतन विषय में रमन करता है वो भले जितना लंबा चौड़ा भाषण दे, दे उस भाषण से कुछ होने वाला नहीं क्योंकि यह बीमारी हटाने का क्वेश्चन है कोई अगर फॉल्स डॉक्टर फॉल्स सर्टिफिकेट वाला डॉक्टर आपका घर में आ जाए तो आपका ट्रीटमेंट करे आपका बीमारी हटेगा बोलो फॉल्स सर्टिफिकेट है कहां से जाली सर्टिफिकेट पटना पटना हर जगह मिलता है पैसा दे दो मिल जाएगा एमबीबीएस का माने नहीं बोल सकता उसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया हमको शर्म लगता है हम भारतवासी हैं हम भारतवासी है, हमको शर्म लगता है इतना शर्म लगता है थुक्का रहता है हमारा दिल में जिस देश में वेद पुराण उपनिषद जिस देश में इतना सारे संत महात्मा पैदा हुए उस देश में धोखाबाजी चल रहा है हमको तो हंसी लगता है कहां से ऐसा संभव हुआ कहां से मिनिस्टर का लड़की है तो उसको फर्स्ट क्लास पास देना चाहिए बोला महाराज आपका मर्जी हमारा तो नौकरी जाएगा दे दिया गया उसको इंटरव्यू में अगर बताए कि एमबीबीएस का अर्थ बताओ वो बता नहीं सकता वो फर्स्ट क्लास फास्ट हो गया पैसा और प्रभाव इसके द्वारा आइन को भी खरीदा जा सकता हमारा एक कहावत है ब्रिटिश जमाने से अ लॉ मेकर अ लॉ ब्रेकर जो नियम को बनाता है वो तोड़ तोड़ता है वो खुद लेकिन वेद पुराण उपनिषद में साधु संतों का जो वाणी है इसमें ए नहीं चलेगा जहां भी हो इधर उधर से इलेक्शन में पास करके जब सभा में जाए लोकसभा विधानसभा जो भी हो हम कहना नहीं चाहता हमारा चर्चा का विषय ये नहीं है स्थिति को सामने रखते हुए कुछ टॉपिक्स को बताएं उसमें थोड़ा दिल में आपका बदल आ सकता है चेंजेस कैन कम इंटर लाइफ सिचुएशन को देखो हमारा चैतन्य तो हमारा शास्त्र में बताया हुआ जो भी बंगाली में भारत भूमि जिसका जन्म हुआ है वो तो अपना जीवन जौवन को निछावर करके दूसरे का मंगल के लिए प्रयास पर करेगा यही तो भारत भारत भूमि के जो वासी भारतवासियों का जेनरोसिटी इसमें जो पैदा होता है इसका तो अलग चीज है महाराज उधर जो लोकसभा में विधानसभा में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पास कर दिया पेपर में लिखित रूप में वो पास कर दिया हो गया लेकिन पांच साल बाद दस साल बाद वो नियम को फिर तोड़ फोड़ के नया रिजोल्यूशन ले सकता है लेकिन हमारा वेद पुराण उपनिषद भागवत जी महापुराण इसमें कोई भी नियम ऐसा बताओ विच यू कैन ब्रेक कोई किसी का ताकत है पूरा दुनिया में पृथ्वी में किसी का ताकत है कि वो नियम के तोड़ के दिखाए संभव नहीं है। ये नियम नीति ये आजकल का लिए चलेगा काल नहीं चलेगा ऐसा नहीं है जो सिद्धांतों जो नीति जो नियम संत महात्मे के द्वारा बनाया हुआ शास्त्रों में जो विचार है इट कैन नॉट बी चेंज इट कैन नॉट बी एमेंडेड एमेंडमेंट कैन नॉट बी डन उसका अमेंडमेंट संभव नहीं है दुनिया में जितना सारी चीजें सिद्धांतों कोई विचार को आप अमेंडमेंट करो तोड़ फोड़ करो लेकिन ये अपराधिक जगत का विचार का अमेंडमेंट संभव नहीं कदापि संभव नहीं संभव नहीं तो इसलिए भगवान जी एक ही बात बताएं, लेकिन एक कंडीशन आप लोगों का जिंदगी में फुलफिल हो जाए ये हम शंकर जी का चरण में प्रार्थना करें शंकर जी का चरण में ये प्रार्थना करें कि ठाकुर जी मेरा मैया अगर आपको पूजा किए हमारा जन्म हुआ है हम भी आपका अगर पक्का प्यार करें तो आपका आपका जो जो क्षेत्र है यहां आया है मेरा आना कभी बेकार नहीं जाए इसके, इसमें आपका ही बदनाम होगा मैं तो आपका चेला हूं मैं शंकर जी का चेला हूं और क्या सब दुनिया गुरु तत्व है शंकर जी का बारे में तत्व उठाने का विचार था हम सोचे ये सभा में ये सब तत्व विचार करे तो बेकार हो जाएगा कोई बात नहीं कोई ऐसा चर्चा हो उसमें शंकर जी का थोड़ा टाच हो जाए लेकिन बड़ा सभा होगा उसमें थोड़ा चर्चा करेंगे इच्छा है तो भगवान ने कंडीशन रख दिया गीता में सर्वधर्माणम परित्यजो माम एकम स्वर्णम बजो भागवत का महिमा का प्रमाण देकर हमने बताए गोकर्ण जी गोकर्ण जी अपना पिताजी को जो बताए वहां भी हमने उठाया था बात को आज चर्चा करने का जगह है कहा चर्चा करे है समझे तब ना आनंद लगे ग्रहण करे तब तो आनंद लगे वहां गोकर्ण जी अपना पिताजी गोकर्ण जी अपना पिताजी आत्मोदेव को ये थोड़ा उपदेश किए थे बहुत सुंदर उपदेश धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्मान सेवस्व पुरुषाण जही काम तृष्णा क्या बताया था बड़े सुंदर बताए ये जो श्लोक इसका थोड़ा व्याख्या उधर हुआ था ये भी थोड़ा प्रासंगिक है इसमें भी हो जाए तो अच्छा है धर्मम भजस्व सततम तेजोलोक धर्म सेवस्व सदुपुरुषान जही काम तिष्ण बोलचेन क्या बताए बोले जितना धर्मम भजस्व धर्मो वास्तव धर्मों को भजन करो अतः जो लोक धर्मान बहुवचन व्यवहार के धर्मान ये जो धर्मों का नाम से बहुत चलता है लोक धर्मो वेद धर्मो शरीर का धर्म समाज धर्म सारे चलता है चिल्चिका, चीका चिल, चिल्ला चिल बहुत चिल्ला चिल्लाता है समाज का आदमी लेकिन ये जो धर्म है सौ औपाधिक धर्म है इसका बारे में थोड़ा उदाहरण दे दे चलेगा किसी भी जो विज्ञान पढ़ा है पढ़ा लिखा है बड़ा उसका ये नॉलेज हो सकता इसका बारे में हम किसी अगला अलग सभा में परिस्थिति के चर्चा करेंगे किसी भी वस्तु यू कैन गेट एनी थिंग इन फ्रंट ऑफ मी कोई भी वस्तु आए पानी लाओ कि पत्थर लाओ कुछ भी लाओ हम इधर विज्ञान के नजर से प्रमाण कर देंगे जो वस्तु आप लाए हो इसका इसका कुछ गुनावली है मेरा बात समझा नहीं कोई भी वस्तु मेरा सामने लाओ वो वस्तु का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मस्त भी दिया जैसे पानी पर पानी हम देखेंगे पानी का कलर नहीं है और तरल है लिक्विड है छोड़ दो तो नीचे जाने का टेंडेंस ये सब कुछ है ये सब इसका जनरल प्रॉपर्टी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस इफ यू पुट इन फ्रंट ऑफ मी कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति आपका क्वालिटी कुछ है थोड़ा दिन रहे तो पता चलेगा आपका क्या पसंद है नहीं पसंद है आपका क्या कुछ तो होगा माइंड का प्रॉपर्टी मनोधर्म शरीर का धर्म कुछ तो होगा मैन टू मैन वेरी करता है ये जो वस्तु कोई भी वस्तु में जब धर्म बोल के एक वस्तु रहता है धर्म एब्स्ट्रैक्ट इसका बोली तो क्यों ये जितना सारे आम आदमी है पूरा दुनिया में इसका कोई धर्म जो है सब अलग अलग है क्या यूरोप से आए हैं इसका आदमी का अलग धर्म है क्रिश्चियन रिलीजियन आपका धर्म है हिंदू धर्म ये जो अलग अलग बताते हैं कहाँ तक ये सच्चा है कहां तक सच्चा है अगर पानी को हम सब जीरो टेम्परेचर में ले जाए जीरो से नीचे तुरंत किसी समय में ये बर्फ हो जाएगा ये इसको आपका और छो, आपका और फेंके तो आपका ये कपाल फूट सकता है अरे महाराज हम तो पानी ही फेंका अरे महाराज आप तो पानी फेंका लेकिन पानी आप ये पानी का जो प्रॉपर्टी है ये चेंज हो गया अब हार्ड हो गया ये इसका टेम्परेचर भी लो हो गया इसका देखने में भी, भी सॉलिड है तो वही पानी वही तो पानी है ना अब तो दूसरा कुछ बोल नहीं सकते वही पानी है लेकिन पानी को हमने सब जीरो टेम्परेचर में ले गया और उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया अब बोलो उसको अगर फेंके आपका कपाल फूट जाएगा वही तो पानी है जैसे पानी का स्वाभाविक धर्म है लिक्विडिटी तरल ऐसे पूरा तमाम दुनिया में जितना करोड़ आदमी है सबको का प्रॉपर्टी एक है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता बल्कि इसलिए जैसे पानी को हमने सब्जीरो में लेके गया तो सॉलिड हो के बर्फ हो गया आकार आकृति उसका प्रॉपर्टी द्वारा चेंजेस आ गया ऐसे दुनिया में जितना सारे आदमी हैं जो जो स्थिति में है जो जो सरकमटैंसेज सिचुएशन एंड पोजिशन जो हालत में वो पैदा हुआ है जो स्थिति है उसके हिसाब से उसका थोड़ा शरीर का गठन माइंड का गठन सारे चेंज है लेकिन तमाम दार्शनिकों गो जितना सोक्रेटिस आदि जितना सारे दार्शनिक है यहां तक कि देसी विदेशी सब विचार करके एक सिद्धांत में आया सब कोई का एक चिंता है भले महाराज देख देखने में लगता है सब अलग अलग धर्म में है भक्ति विनोद ठाकुर जो भी धर्म भी सुंदर बताया भले तमाम दुनिया में लगता है इसका धर्म अलग है इसका धर्म अलग है लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रमाण किए ये सब अलग अलग धर्म जो है उसका जो अंतरात्मा का जो वो जो सूक्ष्म आत्मा आता कारण शरीर उसमें जन्म जन्म के बाद जो संस्कार लगा हुआ है यह संस्कार उसका वैरायटी जब परिवर्तन एक एक में विशेष विशेष देखने का कारण है आपका पूर्व जन्म में कहा जन्म हुआ था पता नहीं ऐसा तो अनंत काल से चल रहा है क्योंकि आत्मा का तो मौत नहीं है यह अगर आपका पता नहीं है तो आप क्यों सुनने बैठे हो जो हिंदू धर्म नहीं ये वैज्ञानिक लोग भी प्रमाण किए हैं कि आत्मा का मौत नहीं है आत्मा का मौत नहीं है तो क्या है भले आत्मा एक एक संस्कार लेके एक एक शरीर को धारण करते हैं इसका भागवत का भी प्रमाण है हम देंगे गीता में सुंदर बताएं बासांश जीर्णानी यथा विहायो नवानि गृणा नरो अपारानी गीता में बताए जैसे आपका कमीज बहुत दिन से यूज करते करते खराब हो गया तो कमीज को आप फेंक के नया कामीज लाओगे तो ऐसा ही उदाहरण दिया गीता में भगवान ने बताया कि बासांगसी जिरणानी यथा विहायो नवानि गृणाती नरो अपारानी। जैसे दूसरा कपड़ा को ओर लेते हैं ऐसा ही आपका शरीर का चेंज होता है भागवत में सुंदर बताएं ऋषभ देव जी ऋषभ देव जी सुंदर बताए मोती पर ओ तो ये तो सप्तम स्कंद बता दिया ये नहीं हमने भूल किया और एक श्लोक है मोतीर न जाबीवा सुदे भे नो चेद देहो योगे नषभ देव जी भगवान का ही अवतार है अपना पुत्रों को शिक्षा तरंग चढ़ा रहे हैं बोले देखो बेटे मोतिर न जावद मई वासुदेवे हम जो शुद्ध सतमय वासुदेव तत्व हैं जब तब हमारा साथ तुम्हारा संबंध ना हो जे अथत आपका अगर लगन हमारे में ना लग जाए जब तक तब तक आपका छुटकारा नहीं है ये बंधन से छुटकारा नहीं है अब जेल खाने में है अभी जो देवा देवी मैया जो जेल खाने बनाए हैं सृष्टि स्थिति पलय सदन शक्ति रेखा छुवनानी विभिन्द दुर्गा इत्यादि श्लोक है शिव तत्व तो भी थोड़ा हम बताएंगे लेकिन खुल्ला हम खुल्ला आज नहीं बताएंगे बड़ा सभा में सबको का उपकार होगा तो जो भी है जब तक वासुदेव तत्व शुद्ध सतमय तत्व वासुदेव का अंदर आपका लगन नहीं लगा वसुदेव में आपका लगन जब तक नहीं लगा आपका यह संसार बंधन छूटने वाला नहीं है चाहे करोड़ों दंडवत प्रणाम कर दो देवी मैया का चरण में यह स्थिति है मुक्ति देने वाले कौन है विष्णु रेव न नसंग मुक्तिदाता कौन है विष्णु रेव न नसंग विष्णु चोर के कोई नहीं है कोई नहीं है काशी मरणाथ मुक्ति ये सब संदर्भ में सुंदर विचार है कहां बताए हम काशी मरणाथ मुक्ति इसको भी हम किसी सभा में प्रमाण कर देंगे काशी मरणाथ मुक्ति इसके माने क्या है क्रम मुक्ति काशी मरने से मुक्ति सुंदर बोले गया में मोन मरने से क्या होगा बोले गयायाम स्थले मुक्ति गया धाम में अगर मरो तो स्थल की साथ आपका स्पर्श है भूमि का साथ गयायाम स्थले मुक्ति है वाराणस्याम जले स्थले आप वाराणसी में जल में मरो या स्थल में मरो दोनों आज जले स्थले च अंतरिक्षे जल अंतरिक्षे, जले जल स्थल चंतरिक्षे धा मुक्ति करे सुनो ठीक से च स्थले मुक्ति वाराणस्या जले स्थले आ जलस्थल चंतरिक्षे धाम मुक्ति चूकें सुक में सुकर क्षेत्रे बराहक्षेत्र में आप बताओ कैसा मुक्ति होगा वृंदावन धाम में सोरी छोड़ोगे तो ये बताओ आप आपका हिम्मत है तो यह बताओ कि वृंदावन में हम सोरी छोड़ने के लिए तरसते हैं वृंदावन का बाहर जाए तो हमारा बहुत कष्ट होता है कहां जाए सब प्रेमी भक्त है चारों राधे राधे बिहारी जी वृंदावन का परिक्रमा लगाते लेकिन आप लोगों के लिए ही आना पड़ता है आप लोगों का लिए ही आना पड़ता है महाराज जी आदेश करते आओ आना पड़ता है वृंदावन में सॉरी छोड़े तो क्या होगा भले महाराज अब तो माला माल हो जाओगे प्रेम मिलेगा प्रेम मुक्ति देके क्या करोगे मुक्ति का क्या अर्थ है मुक्ति का क्या अर्थ है समाज क्या समझता है मुक्ति का अर्थ वो सोचते हैं इसका बारे में बहुत सारे चर्चा शंकराचार्य जी का भी दर्शन इसका गौरीय दर्शन का कंपेरेटिव स्टडी होना चाहिए चर्चा होना चाहिए बीच में से थोड़ा बताने से समझोगे नहीं तो मुक्ति का क्या अर्थ है क्या समझते हो आप लोगों में जितना सारे आदमी है बताओ आप सोचते हो कि दुनिया का दुख से छुटकारा इसी को मुक्ति समझते हैं बट यू आर फूल आई कैन प्रूव हम प्रमाण कर देगा आप बोका है आप प्रमाण कर देंगे प्रमाण नहीं करके इधर से उठेंगे नहीं बड़ा बड़ा होटल में ग्रैंड होटल स्टार बड़ा बड़ा जाएगा स्टार होटल में क्या रहता है एक ऐसा आदमी को चुना जाता है जिसका टेस्ट ये जो जवान है इसका टेस्ट इतना है वो टेस्टर उसका ड्यूटी है क्या कोई भी खाना बने कोई भी चाय बने कुछ भी बने उसको टेस्ट करके देख ले ए, अच्छा नहीं हुआ फेंक दे दोबारा बना क्योंकि पैसा तो कुछ भी ले लो लेकिन हमारा पसंद का मुताबिक होना चाहिए क्योंकि बड़े आदमी आता है वहां पैसा वाले सब पैसा उसका लिए कोई विषय नहीं है पैसा इसके लिए कोई विषय नहीं है हमने चिड़ियाघर का सामने जो सबसे बड़ा होटल है होटेल इंटरनेशनल उसमें अमेरिका से आया था रामदास प्रभु उसका नाम है पूरा दुनिया में भजन के लिए नाम नहीं है पैसा के लिए वो उसका एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी का आदेश हुआ उसको थोड़ा जाओ उसको देखो क्या हालात है आशीर्वाद करके आओ हमारा आशीर्वाद दे के हमारा बानी सुना के आओ लाखों लाखों रुपया खर्चा करने के बाद उसका तब ये ठीक हुआ और उसका साथ एक आया था उसका सेक्रेटरी उसका नाम है श्रीधर वो भी हरिनाम लिए थे जो भी आचार आचरण तो उसका जो है तो सो है उसका बारे में हम नहीं, नहीं बताएंगे तो इन्होंने बोले महाराज यू कैन कम ये इन दिस होटल चिड़ियाघर का सामने कलकत्ता में सबसे बड़ा होटल है उसमें हम गए हम तो होटल में जाने वाला आदमी नहीं है तो क्या करें उपकार करने के लिए बोला तो हम गए उसको लेके हम जाएंगे जहाँ वो भर्ती हैं वहां जाए तो उसको जानकारी नहीं है महाराज वो हमको पूछे बिना ऑर्डर दे दिए क्या हो बोले महाराज रहे हैं थोड़ा लस्सी शर्बत ऑर्डर फुल फ्रूट का जूस जो है ऑर्डर दे दिए वो जानते नहीं मैं स्पर्श नहीं करेंगे तो ऊपर आके उसका जो नौकर है सब बड़े बड़े एकदम ड्रेस आके रख दे के दो ग्लास रख दिया उसका साथ ना जाने क्या हमको तो मालूम नहीं सब छोड़ के चला गया और वो बैठे महाराज इट हमने बोला हम तो आ, हम क्या बोले हम कुछ तो बोल नहीं सकता हम बोले देखो हम अभी खा पी के आए हैं बिल्कुल हमारा नियम है हम अभी खाएंगे नहीं आप अब और महाराज इज टू कॉस्टली एक गिलास ये हैं तब की ज़माने में क्या पाँच सौ सात सौ रुपया क्या दाम बताया बोले इज टू कॉस्टली महाराज इफ यू डोंट ड्रिंक हम बोले क्या करें हम तो मजबूरी है हम तो खाते नहीं हमारा नियम है ओ वो, वो पी गया दो गिलास तो चलो हजार रुपया कम से कम उसका छोटे मोटे रकम है उसके लिए तो ये है हमारा कहने का मतलब है जो जो स्टैंडर्ड है उसी के मुताबिक उसको जो चाहे वही देना पड़ेगा तो उसमें टेस्टर का क्या, क्या क्या काम है वो टेस्ट करके देखें कैसा बने हैं उसका मुताबिक वो देगा मेरा कहने का मतलब है अगर टेस्ट करने का वस्तु आपका सामने नहीं है और टेस्ट बोल के जो जो आपका गुनावली है वो नहीं है और आप भी नहीं हो तो कौन किसको टेस्ट करेगा क्या करेगा मेरा बात समझ में आया नहीं आपका समझो कि एक रसगुल्ला सामने रख दिया आपका मालूम है रसगुल्ला इतना टेस्ट है इतना मिठाई है और जो कोई भूखे हैं और उसको रसगुल्ला खाने का इच्छा हो रहा है ऐसा ऐसा कर रहा है लेकिन ऐसा ऐसा करने से होगा नहीं क्योंकि रसगुल्ला का साथ उसका कंटैक्ट होना चाहिए और रसगुल्ला बोल के चीज जो रसेली वो जो वस्तु होना चाहिए और उसका टेस्ट ऑर्गन होना चाहिए जिसके द्वारा उसको आस्वादन करे और आस्वादन नामक जो वस्तु आस्वादक मेरा बात समझा आस्वादन आस्वादक और वस्तु तीनों का ही आप एकदम खत्म कर दोगे तो इसका ही नाम आप आपका त्रिपुटी विनाश प्रभुपात जी ने वक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को भले आप कैसा जैसे एक उदाहरण दे राजीव गांधी को मारना है तो कैसे मरेंगे ऐसा करेंगे हमारा घरवाली बहुत पैसा मिलेगा हम एक बोम शरीर में लगा के उसको ऐसा जाम करेंगे हम तो मरेंगे लेकिन वो मर जाएंगे इसको बोलते हैं स्वीसीड स्क्वाड अपने भी मरेंगे और हमारा साथ उसको भी मरेंगे तो आपका जो मुक्ति जो शब्द है इसका व्याख्या यह है दुखों की निवृत्ति चाहते हो आप दिखाओ एक इंस्टेंस जिसको भक्ति के बिना निवृत्ति मिला है एक इंस्टेंस दिखाओ एक हम तर्क नहीं करता चाहता हम लड़ाई नहीं करता चाहता एक इंस्टेंस दिखाओ जो भक्ति के बिना जिसको मुक्ति मिला आनंद मिला दिखाओ मेरे को एक उदाहरण दिखाओ बाजार में बहुत सारे शास्त्र ज्ञान है सब पढ़ के बैठा हुआ है लेकिन देवी मैया ने सबको को, को हिमनोटाइज करके रखे हैं आस्तृ चीज पता नहीं चलता दे कैन स्पीक मैनी थिंग फ्रॉम वेद पुरानो उपनिषद दे कैन कोट मैनी थिंग्स बट द जिस्ट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड जब चैतन्य महापु आए उसका बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे अब शंकर जी का थोड़ा महिमा बता के आज का चर्चा हम ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं महाराज जी बताएंगे बल ऐसा करते आपका जो मुक्ति का व्याख्या है, है आप बोलते हो हमारा दुख का निवृत्ति हमने हमको जानकारी है कितना करोड़ों करोड़ों पैसा वाले का जो लड़का है वो हीरोइन खाते खाते स्नैक बाइट एक एक स्नैक बाइट का कितना हजार रुपया बहुत हीरोइन खाते हिराइन खाते, खाते खाते वो फिर भी नशा नहीं चढ़ता वो क्या है वो स्नैक बाइट जहाँ होता है वो एक्वरियम में बहुत पॉइना स्नैक है उसमें अपना जो जीव है जवान को जो सूरक है फूटा में ऐसा लगा देते वो साफ क्या करता है वो जवान में बस एक बार लगा दिया ऐसा गिर गया दुख का निवृत्ति हो गया हुआ नहीं अब पंद्रह दिन भी हो सकता बीस दिन भी हो सकता एक महीना भी हो सकता उसे हालत में पड़ा रहेगा सो वॉट यू मीन बाय मुक्ति क्या माने बोलते हो बोलो बोलो आपका पम में क्या रखा है जब सूर्य छोड़ोगे ब्रह्म में लीन हो जाओगे सब तर्क तो हम तो ये चर्चा इधर नहीं करेंगे फिर भी उठा रहे हैं किसी भी हालत से आपका मुक्ति संभव नहीं भगवान ने भागवत में कुल्लम खुल्ला बता दिया मई भक्ति रही भूतान हम अमृतोत्ताय कल्पते। जब ये अमृत आप को चखने का सौभाग्य नहीं मिला जब तक तब तक आपका कोई सोल्यूशन नहीं है जब भक्ति मिले तो अमृत के द्वारा आपका हृदय सिंचित हो जाए सारे समस्या का समाधान हो जाएगा कोई समस्या बचेगा नहीं और गौड़ी और विचार के द्वारा हम हम अगर मुक्ति का व्याख्या करें तो इसका व्याख्या जीव गोस्वामी पर सुंदर बताए जे स्वरूपेण 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 व्यवस्थिति थी मुक्ति मुक्तिर हितवा रूपम मुक्तिर हितवा अन्नथ रूपम स्वरूपे न्यवस्थिति अर्थात स्वरूप व्यवस्थिति थी मुक्ति मुक्ति मतलब अन्न कोई रूप हमको नहीं चाहिए हमको ब्रह्म बनना नहीं है क्या ब्रह्म बनेगा क्या ब्रह्म बनेगा क्या ब्रह्म बनेगा और ब्रह्म तो अनंत है क्या ब्रह्म बनोगे तुम फिनाइट सोल समुंदर से एक पानी हमने ले लिया एक बूथ हम बोले हम समुंदर बन गया अरे फूल इतना बोखा है समुन्द्र से एक बूथ पानी ले लिया मे बी यू कैन प्रूव द दुंदर का पानी इतना सारे अथई जलराशि और एक बूंद जो पानी उसका क्वालिटी मे भी सेम मे बी नहीं, इट मस्ट भी सेम क्योंकि वो बूंद वहां से ही तो लिया लेकिन ये आप बोल नहीं सकते हो कि बिंदु सिंधु हो गया लेकिन सारे यहां चर्चा हो रहा है अरे तुम ब्रह्म बन जाओगे अरे तुम ब्रह्म बन जाएगे क्या ब्रह्म बन जाओगे तुम कैसे ब्रह्म बनोगे बताओ दिखाओ अब शंकर भगवान का अब हम शंकर भगवान का जो गुनावली थोड़ा स्पर्श करें और भगवान का महिमाएं भी इसके द्वारा थोड़ा प्रकाशित हो जाए घंटों भर प्रवचन करने से हमारा आनंद होगा लेकिन आपका ज्यादा फायदा नहीं क्योंकि यू कैन नॉट डाइजेस्ट हम बोलते रहेंगे दो पांच घंटा वृंदावन में छो साढ़े छः बजे शुरू करते हैं आज बारह बजे तक जन्माष्टमी में बॉम्बे से वहां से आते हैं लेकिन यू कैन नॉट डाइजेस्ट हम बोलते रहेंगे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे क्या फायदा है खाना खिला दिया इससे तो अच्छा है गौरिया मठ का संग हो गया तो ये संग बना के रखना तोड़ना नहीं ये मेरा विनती है ये बना के रखो आगे चल के देखो क्या फायदा हुए गौरमठ का वास्तव विचार क्या है इस बारे में एक महीना तक लगातार हमारा विचार चले गुरु वर्गो का तो हम आपका सामने पेश कर सकता गौरियमठ वट गौरियम कैन डू फॉर यू गौरीमठ क्या चीज है गौरीमठ का सिद्धांत तो क्या है गौरीमठ का उपकार क्या है इसका लिए तो ये एक घंटा डेढ़ घंटा कुछ भी नहीं है भागवत जी महापुराण में हमारा परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी गुरु जी का सामने एक बड़ा भारी आश्चर्य क्वेश्चन रख दिया एक प्रश्न रख दिया ये सुनने का लायक है आप सुनोगे कि सुनने आपका विचार आएगा महाराज कितना सुंदर बातें बताएं सुखदेव गोस्वामी का सामने गुरु जी का सामने परीक्षित महाराज जी ने एक प्रश्न रख दिया महाराज एक मेरा अंदर में विचार आ रहा है ये आप समाधान करें कृपा करके आप समाधान करने का चेष्टा करें गुरु जी वो क्या है बोले महाराज जितना सारे देव देवियों का आराधना करे शंकर भगवान का जितना सारे देवता लोगों का आराधना करे तो करने के बाद उसको माल मिल जाता है जो चाहता है माल मिलता नहीं मिलता तो क्यों गणपति देवता का गणपति देवता का पूजन क्यों करते हो बॉम्बे में मा, क्यों महाराष्ट्र में माल चाहिए गणपति देवता का जो अर्चन है इसलिए करते हो कि आपको माल चाहिए सिद्धि शंकर भगवान का क्यों करते हो कि शंकर भगवान भोले बाबा है कुछ भी मांगे तो दे देंगे एक लोटा पानी और एक बेल पत्ता चढ़ा दो तो संतुष्ट है इतने में संतुष्ट होने वाला तो कोई है नहीं फलाना लाओ फलाना लाओ ये लाओ वो लाओ तब देवी देवी देवता का पूजा होता है लेकिन उसमें शंकर भगवान का वैराग्य का बारे में अगले दिनों में शंकर तत्व का बारे में हम दस दिन पंद्रह दिन बताए तो अच्छा लगे लेकिन महाराज जी एक एक करके सब्जेक्ट सेट किया चलो ठीक है कोई बात नहीं आते रहेंगे कभी कभी आ, हमारा भी ये प्रिय धाम है शंकर से बढ़कर हम किसको प्यार करें तो बात यह है उसमें विचार पेश कर दिया कि महाराज गुरुजी जी ये जो देव देवता का आराधना करे शंकर भगवान देवी मैया का आराधना करे तो उसको मालामाल हो जाते बहुत सारे चीज और लेकिन भगवान विष्णु का आराधना करे तो अक्सर देखा जाता है वो लोग कुछ मांगते नहीं है और ऐसे ही डोलते हैं और खाने पीने का कोई कोई चिंता भी नहीं है लोटा कंबल लोटा सोटा और लंगोटा ये तीन इसका संबल है और महाराज आजकल तो बहुत सारे हो रहा है हम इसका बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम वास्तव सिद्धांतों को चर्चा करने बैठे हैं हमारा इच्छा नहीं निंदा चुकली करना रावण भी बेस बनाए थे रावण भी सन्यास गोहन हैं सन्यास का बेस नहीं बताए लेकिन रावण का जो सन्यास बेस उसका पीछे क्या उद्देश्य था सीताजी भगवान का शक्ति को हरण करना भगवान का शक्ति जो है सीता देवी को हरण करना और बेचारा उसको जानकारी नहीं है कि भगवान का शक्ति को हरण करना किसी का बस का काम नहीं है क्योंकि भगवान और भगवान शक्ति एक तत्व है वेदांतों में है शक्ति शक्ति मतोर अभेद हमारा जो शक्ति है हमारा अंदर में है ना हम ताकत जो है हमारा अंदर में है हमारा शक्ति क्या अलग रहेगा लेकिन भगवान का शक्ति का ऐसा ये है भगवान का लीला है भगवान का शक्ति अलग से भी विचरण कर सकते हैं लेकिन अंदर में है बागी सजस्य वक्ष्मीर च भक्शि ये जो श्लोक बताया जबान पे देव का सरस्वती देवी जी वो भी वैकुंठ जगत का आर लक्ष्मी यस लक्ष्मी जी इधर है भगवान का शक्ति भगवान से अलग नहीं है लेकिन रावण का ये सब पता नहीं था रावण ने सन्यास ले सन्यास गहुण कर सन्यास गण का, का बहाना बनाया लेकिन रावण का सन्यास को आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि हम मनने के लिए तैयार हो जाएगी रावण सचमुच सन्यास लिया सो आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट तथा हम बिल्कुल तैयार नहीं है यह मनने के लिए तैयार नहीं है कि रावण संन्यास रावण तो संन्यास का बेस बना था सन्यास तो और कुछ है इसमें बात यह है कि जितना सारे देवदेव -देव का अर्चन करो पूजन करो मनाने का कोशिश करो तो उसमें वो रिटर्न दे देता है जैसे रिटर्न होता है ना भगवान ने गीता में बताया भगवान का रिटर्न जो है ऐसा किस्म का नहीं समझो कि तक का माफी भगवान ने जो भी बताए जे यथाम प्रपद अंत्यंग तथे ब भजामी इसका बारे में चर्चा करते करते वृंदावन का अंदर इस श्लोकों का क्या व्याख्या हो सकता किस भावना में उतर सकता ये जो श्लोक ये हैरान हो जाओगे आप पहले भक्ति लाओ मेरा ये विनती है हमको कुछ नहीं चाहिए भक्ति लाओ हृदय में तो आनंद होगा आनंद होगा आपका बच्चा है बीबी जो कुछ भी है सब भक्ति करो श्री कृष्ण का और शंकर भगवान का पूरा कृपा ले लो जब आप कृष्ण भजन करोगे शंकर भगवान छप्पर फूट के आपको कृपा करेगा लेकिन बाकी दुनिया जो कृपा मांगते और कृष्ण को पूछते भी नहीं इसका पास शंकर भगवान का वास्तव कृपा नहीं होता है समझा मेरा बात इसका बारे में आप जाते रहोगे ये सब सभा चलते रहेगा आठ दस दिन तो आपको पता चलेगा तो ये जो प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी जी का सामने परीक्षित महाराज प्रश्न कर दिए जो देव देवता का अर्चन करो सब कुछ करो तो बहुत कुछ मिलता है लेकिन भगवान का जो आराधना करने वाले वैष्णव जो हैं उनका तो खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है रहन रहन सहन का हैं खान पीन का कोई बड़ा सहज सरल ढंग से वो जीवन को बिताना चाहते हैं हर वक्त हरे कृष्ण हरि बोल ऐसा चिंता नहीं उसका अंदर में रहता है क्या कारण है क्या भगवान दे नहीं सकता सुखदेव गोस्वामी ने बहुत मुस्कुराया बोले सब प्रश्न किया कि जगत का ये आदमी सब जितना सारे हैं वो अगर सुने उसका भी थोड़ा बुद्धि सुधर जाएगा सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिया देखो राजन आज वो देव देवी का बारे में आप बता रहे हो वो देव देवी कहाँ का है बोले महाराज ये चौदह भवन का है माइंड इट वट आई मीन टू से जितना सारे देव देवी हैं क्या ये चौदह भवन का बाहर है देखाओ जितना सारे ये देव देवी धाम है देवी महेश हरिधाम तेसु तेसु ते ते प्रभाव निचया जेनो धाम का भी जो विन्यास है हम बताते रहेंगे अभी थोड़ा देर पहले एक घंटा पहले बताया था ना क्या भूर स्व महो जनो बाज इसको पर क्या है हम सदाशिव का तत्व शिव तत्व का बारे में बहुत सुंदर इच्छा है ठाकुर जी का कृपा हो जाए मेरा ऊपर शंकर जी का कृपा हो जाए मेरा ऊपर शंकर जी भक्ति देने वाले हैं शंकर जी भक्ति देने वाले हैं कोई भी शास्त्र निकालो कोई भी सस्तो भागवत आदि महाभारत पुराण कुछ भी निकालो निकालो हमारे सामने हम दिखा देंगे पल पल में लिखा हुआ है पल में लिखा हुआ है शंकर वाचो शिव वाचो कोई स्तोत्रो कोई भी कुछ सब जगह लिखा शिव वाचो शंकर वाचो अरे महाराज शंकर तो गुरु है जगत गुरु जगत गुरु है शंकर शंकर का तत्व जो है वैष्णव समाज में भी इवोल्यूशन होता है बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति शंकर शंकर भगवान का जो तत्व लेके बड़ा भाई फाइटिंग होता है समझ में नहीं आता ब्रह्मा से भी बहुत ऊंचा तत्व है शंकर यह प्रमाण करेंगे धीरे धीरे जो भी ये श्लोक को व्याख्या करे इधर देखा गया तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताए कि ये जो देव देवता का अर्चन का बारे में आपने जो प्रश्न उठाए सब ये जगत का आदमी ये जो देव देवियों का अर्चन करे वो कहाँ का है ये तो इस जगत का है चौदह भवन का है लेकिन हरि भगवान जो हरि है विष्णु तत्व ये कोई इस जगत का नहीं है पहला गलती तो इधर हो गया हुआ नहीं क्योंकि ये जगत का अंदर में छानबीन करो तो भगवान मिलना मुश्किल है भगवान का भक्तों को छोड़ के जाता है कि, कि हमको प्राप्ति करने के लिए एक साधन भी उसको मिल जाए जैसे भगवान श्री कृष्ण जाने का पहले उद्धव जी को बताए उद्धो उधो तेरों को रहना पड़ेगा महाराज हम आपका साथ जाएंगे हम आपका साथ जाएंगे हम जी नहीं सकते हम आपका साथ जाएंगे भगवान ने भगवान ने बताए कि हमारा साथ जाना और हमारा आदेश पालन करना कौन सबसे बड़ा चीज है हमारा आदेश पालन करना है तो आपको इस जगत में गुरु रूप में रहना है आपको शिक्षा हमारा भाव क्या है हमारा विचार क्या है हमारा सिद्धांत क्या है हमारा रूप गुण जब कुछ भी है बैठो पिंड ऑफ साइलेंस इसमें विचार करके देखो तो तुम अगर नहीं रहोगे तो कौन सिखाएगा शिक्षक तो होना चाहिए तो उधव जी एक स्वरूप में बौद्रिका श्रम में विराज करते हैं और एक स्वरूप में हमारा उद्धव कुंडो वृंदावन में हम परिक्रमा लगाते रहते हैं हर वक्त वहाँ उद्धव जी है उद्धव जी कहां है भागवत का स्कंद पुराण महिमा में बताया गया जो वहाँ जो वहाँ उद्धव जी जो है वो जो सुमन सरोवर कुसुम सरोवर बोलते हो और इसका इधर से कुसुम सरोवर उस पार देखो तो उद्धव कुंडो विराजमान है तो वहां लिखा हुआ है वहां गुलमोलाता लता छोटे छोटे पेड़ पौधा का पेड़ पौधे के रूप में नूनम उद्धव ये उद्धव वहां विराजमान है छोटे छोटे जो गुलमलता है ये निश्चित गुलम गुलमलता का रूप में उद्धव जी वहां विराजमान है बहुत महात्मा पहुंचा हुआ महात्मा रोते रोते पागल हो गया उद्धव जी थोड़ा दर्शन दे दो हमको जानकारी है शास्त्र में सुना आप इधर हो आपके दर्शन बीरा मैं तो मर जाऊं ऐसा का स्थिति है कई महात्मा उद्धव जी का दर्शन भी किए हैं लिखा हुआ है उद्धव जी वो लता का पेड़ से धुआं का माफी ऐसा निकल गया करके आशीर्वाद कर रहे उद्धव जी अभी भी है गुलम लता का रूप में नूनम अस्ते उद्धव उद्धव जी उधर विराजमान है गुलम लता का आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो भगवान छोड़ के गए हैं उनका जो जितना सारे भक्त हैं इसलिए कि आम आदमी को पता चले वास्तव रास्ता का ठिकाना चले कि कैसे हमारा पास पहुंचे तो विचार ये हैं सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर दिए कि चौदह भवन का अंदर जितना सारे देव देवी हैं इसका पूजन कर दे सो स्वाभाविक इट्स नेचुरल उसको ऑयलिंग करो तो थोड़ा वो रिटर्न दे देगा लेकिन ये समझ के रखना हरी रही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति पर हरी रही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति पर ये जो हरी है ये तू समझ के रखो कि ये दुनिया का चीज नहीं है दिल्ली का लड्डू नहीं है कि बाजार में गया हरी खरीद के लाया बहुत हरी कथा बोलता है जन्म भर तक सुनो और भगवान प्राप्ति हुआ का नहीं हमको बताओ हम पहले ही शुरुआत में बताए थे वास्तव सुन सत्य सत्य का प्रवचन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है सब नाटक कर रहे हैं नाटक करने बैठे हैं हरि कथा चल रहा है भागवत कथा सुनने वाला भी है मौज मस्ती चल रहा है हरि कथा नहीं बहुत विचार है हम बोले तो आप अभी दुखी हो जाओगे धीरे धीरे आपका अंदर में विचार आते रहे यही अच्छा है धीरे धीरे जोर जबरस्ती करें तो टूट सकता है आपका साथ मेरा रिलेशन हमको तो कुछ चाहिए नहीं तो रिलेशन बने रहें एक दफे आए तो हमारा जिंदगी भर आपका साथ रिलेशन बने रहें यही ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करते हुए शंकर जी का वैराग्य शंकर जी का विवेक शंकर जी का महिमा अनंत महिमा इसका बारे में हम स्पर्श भी कर नहीं सका आज तो उठाए भी नहीं सबसे ज्यादा दयालु है दे जितना सारे दे इसके देवादि देव बोला जाता है हजारों हजारों महात्मा का यहां तो हमारा भी ये भक्ति राज्य आगमन शिल सच्चिदानंद भक्ति में ठगुरे तो भगवान का निजी जन है वो भी शंकर का कृपा के द्वारा ही ये भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जो विष्णु तत्व का भजन का रास्ता खोलता है सौभाग्य और कभी आपका सर पे शनिचर ग्रोह का उत्पात आ जाए आप रोते रहोगे महाराज बचाओ लेकिन शनिचर देवता का उत्पात आ जाए तो संत महात्मा तो आनंद आनंद से खिलते हैं क्यों बोले शनिचर जो है वो जो कीपा करेंगे ना बाहरी दृष्टि का जितना सारे संपत्ति है वो तो ले लेंगे लेकिन शनिचर भक्ति का अनुकूल परिस्थिति कर देते हैं समझा मेरा बात इसके कई उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे अगले सभा में धीरे धीरे कब शनिचर शनिचर जी का कीपा होने से आप लोग रोते हो एक हनुमान जी को बोले अरे तुम्हारा तो शनिचर दशा चढ़ चड़ गई चढ़ जाएगा जल्दी बोले कब बोले इतना महीना है अरे महाराज इतना देर क्यों अभी चढ़ जाए अच्छा है अभी हम चाहते हैं चढ़ जाए जितना चढ़ जाए तो उतना अच्छा हरि कीर्तन जमेगा शंकर भगवान का करुणा का बारे में हम चर्चा करते रहेंगे इन दिनों में वाचा कल्प दुर्वश्य कृपा सिंध बैवैश्वातिथान पावन भो वैष्णव नमो नम